हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एक थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं जिसका यूज़ वेक्टर कैलकुलस के न्यूमेरिकल पार्ट में बहुत है। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? ग्रेडियंट ऑफ द टू स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, कह रहे हैं इफ़ एफ एंड जी आर टू स्केलर पॉइंट फंक्शन देन जो ग्रेडियंट एफ प्लस जी होता है वो होता है ग्रेड एफ प्लस ग्रेड जी, या फिर इसे हम बोल सकते हैं डेल। ग्रेड को हम डेल से भी दिखाते हैं, एफ प्लस जी डेल एफ प्लस डेल जी। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। हमने ले लिया ग्रेड एफ प्लस जी, ग्रेड का मतलब डेल एफ प्लस जी, और डेल क्या होता है? आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जी डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, और ये एफ प्लस जी। अब इस एफ प्लस जी से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा, और इसके साथ भी आ जाएगा। अब हमें इसका हमें डेरिवेटिव करना है x का सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा? आई कर ली एफ एफ और कर ली x प्लस कर ली g और कर ली x, यहाँ से g कर ली एफ ओवर कर ली y प्लस कर ली g और कर ली y, k कर ली एफ ओवर कर ली z प्लस k कर ली g ओवर कर ली z। अब क्या करेंगे, ढंग से लिख लेंगे, f वाले टर्म एक साथ और g वाले टर्म एक साथ। तो यहाँ सिर्फ i एफ वाला दिख रहा है डेल एफ, और ये क्या है? डेल जी। सिंपल। इन शॉर्ट, अगर आप थोड़ा और लंबा करना चाहते हैं तो एफ कॉमन निकाल लो, यहाँ से जी कॉमन निकाल लो, तो ये आपका डेल होता है और ये एफ है, ये आपका डेल होता है ये जी है, तो डेल एफ प्लस डेल जी, या फिर इन शॉर्ट आपको ये मिल चुका है जो आपको प्रूफ करना था। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में ज़रूर आया है। ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लो।